ऑल ऑफ अ सडन 2016 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उसके बाद से मेरे से कुछ नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि मेरा भगवान के प्रति या बिलीफ हट गया या मैं मानती नहीं उस चीज़ को, लेकिन मेरे से होता ही नहीं था। ये जब से वो मैं SSM से और पत्री जी से जुड़ी, आई एम सो थैंकफुल टू हिम कि मतलब आप लगाओ 4 साल बाद मुझे लगा कि अब जिंदगी जीने की राह जो मुझे मिली है ना, वो अब मिली है। आनंदित जीवन जीना ही जीवन की सफलता का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम हैप्पी SSM में। दोस्तों, हम हैप्पी SSM में हम मिलाते हैं आपको ऐसे ध्यानियों से जिन्होंने ध्यान से अपने जीवन को बदला। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका जी, जो कि दिल्ली से हैं। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। तो मैम, हम अपनी जर्नी पर चलें, इससे पहले ज़रूरी है कि हम आपके बारे में थोड़ा जानें, तो अपने बारे में बताइए हमें। मेरा नाम मोनिका क्वात्रा है और मैं दिल्ली से हूँ। और बचपन से ही मैं बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ। अपने जो मैं सोचती हूँ या मेरे मन में कोई बात होती है ना, वो मुझे कहना, मैं कह नहीं पाती। हमेशा मेरी फ्रेंड्स आके कोई कुछ मुझे बोल जाता था स्कूल में या कभी भी, तो मैं वो कभी किसी को बोल नहीं पाती थी कि इसने ऐसे कह दिया। बस अपने अंदर ही उस चीज़ को डीप डाउन रखते जाना। और शुरू से रिलीजियस, मतलब पूजा पाठ बहुत, भक्ति बहुत करती थी। मंदिर जाना, व्रत रखना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जबकि मेरी मम्मी नहीं, जैसे मदर नहीं जाते थे, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा मंदिर में जाना, और जैसे वहाँ पे लेडीज़ को देखती थी, वो जो कर रही होती है ना, चावल चढ़ा, चीनी चढ़ा, वो सब चीज़ें मुझे, अच्छा अच्छा ऐसे भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये सब चीज़ें मैं बहुत करती थी। और घर आके फिर सारे वो पाठ करना, दुर्गा स्तुति, शिव चालीसा, ये सारी चीज़ें मेरे रूटीन में थी कि अगर मैं स्कूल नहीं है और ऑफ है तो मैंने ये सब चीज़ें करनी ही करनी है। जी, तो ये आपने बताया कि आपका जो इंक्लिनेशन था वो भक्ति मार्ग में ही रहा है बचपन से, तो फिर किस तरीके से आप वो भक्ति वाला मार्ग छोड़ के, या फिर कहिए कि उससे हटाकर अपने आप को और PSSM की तरफ आए, थोड़ा उसके बारे में? काफ़ी टाइम तक, मेरी मैरिज के काफ़ी बाद तक यही चला। मेरे मैरिज के बाद भी, जैसे नवरात्रे आते हैं साल में 2 बार, तो वो पूरे 8 दिन की, 7 दिन की अखंड जोत जलाना, रोज़ पाठ करना, यही सब चलता रहा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 2016 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए ब्रेन स्ट्रोक से। उसके बाद से मेरे से कुछ नहीं होता था, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि मेरा भगवान के प्रति या बिलीफ हट गया या मैं मानती नहीं उस चीज़ को कि है, लेकिन मेरे से होता ही नहीं था। मेरे अंदर से ही नहीं होता था कि मैं मंदिर जाऊँ, मैं पूजा करूँ, मैं मतलब जोत जलाऊँ सुबह शाम की, कुछ भी नहीं होता था मेरे से। तो बस ऐसे ही करते करते फिर मेरी सिस्टर, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो जाती थी मेडिटेशन में, करती थी, वो मुझे इंसिस्ट करती रहती थी हमेशा कि नहीं तू भी करा कर, कुछ तो कर, कुछ तो अपने लिए कर। तो इनकी डेथ के बाद एकदम समझ नहीं आता था लाइफ कहाँ जा रही है, क्या होगा अब, क्या करना है और क्या होगा, मुझे करना क्या है। फिर आफ्टर 2 ईयर्स मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई, फिर दोनों बच्चों की और पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई। फिर मैं और ज़्यादा शैटर्ड, और ज़्यादा मुझे लगे कि बस अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ वे आउट जाएगा मेरी लाइफ का। मेरी सिस्टर और मेरी फैमिली शुरू से बहुत सपोर्टिव थी, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मतलब अगर मुझे उसने संभाला है ना अपने हस्बैंड के बाद, तो मेरी सिस्टर और मेरे पेरेंट्स ने बहुत, सारे रिलेटिव्स ने, खैर इन लॉज में भी सब बहुत सपोर्टिव थे, सब ने बहुत संभाला है मुझे और बच्चों को। लेकिन फिर भी फिर वो मुझे, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो मेरी सिस्टर की वजह से शुरू हुई है। पहले वो मुझे सत्संग पे ले जाती थी, मुझे वहाँ अच्छा ही नहीं लगता था, वो लगता था कि वो एक ही पर्टिकुलर चीज़ समझाई जा रहे हैं, ऐसे करो ऐसे करो, और मेरे से होता था नहीं कुछ। फिर धीरे धीरे फिर मेडिटेशन से जुड़े, फिर उसने PSSM से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि अच्छा तू घर बैठे देख। मुझे ना कहीं घर से निकलना नहीं अच्छा लगता था, मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे जो कराना ना घर पर करा लो, मुझे बाहर नहीं जाना कहीं। तो फिर उसने ये बोला कि अच्छा ये जो मास्टर बनो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कि ये घर से ही करना है, तुझे कहीं नहीं जाना, तो ये करना स्टार्ट कर। फिर वो करना स्टार्ट करा तो वो इतना अच्छा लगने लग गया। पूरे 41 डेज़ का हमने करा और नथिंग लाइक दैट।
मतलब वो दैट वॉज माई जर्नी कि जब से वो मैं उनसे PSSM से और पत्री जी से जुड़ी, आई एम सो थैंकफुल टू हिम, मतलब इतना थैंकफुल टू माई सिस्टर ऑल्सो और पत्री जी ऑल्सो कि पता नहीं कब मिलना था। और लगता है अब फिर उसके, मतलब आप लगाओ 4 साल बाद मुझे लगा कि अब जिंदगी जीने की राह जो मुझे मिली है ना वो अब मिली है PSSM से जुड़ के, PMC से जुड़ के, कि अब एक्चुअली लगता है कि मुझे क्या करना है आगे, तो इसी रास्ते पे चलना है और अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करना है। अब मुझे वो चीज़, मतलब थोड़ा मेरी लाइफ में इतने बड़े उस ट्रॉमा के बाद एक ठहराव जो आया है ना वो उससे आया, क्लियर पिक्चर जिसे कह सकते हैं वो उससे ही है। एक आपने वक्त बताया अपने जीवन का जहाँ पे सब कुछ बहुत शैटर्ड लग रहा था, बहुत शांत हो गए थे आप, और वैसे भी आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि आप बचपन से ही इंट्रोवर्ट रहे हैं, तो ये जो एक वक्त था उसके बाद जब आप वक्त डाला अपने ध्यान में, मेडिटेशन में, अब जो वक्त है वो कैसा आपको लगता है कि वो क्या इतना आपके लिए बोल सकते हैं ना कि एकदम शांत रह जाने वाला वक्त, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं कह रही हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट थी लेकिन मैं आज यहाँ कैमराज के सामने बैठी हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, तो ये जो डिफरेंस है थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूँगी। वो टाइम जो था ना वो बिल्कुल क्लूलेस था मेरे लिए, क्लूलेस था, और मतलब आप सोचो ना कि बिल्कुल मतलब ऐसा था कि अ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ ऑन मी, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ करना, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाओगे आप। वो था ना एकदम पूरे कमरे में अंधेरा है और आपको कोई रोशनी नहीं नज़र आ रही है, तो बस ये PSSM मेरे लिए एक रोशनी की किरण बन के आया कि मुझे अब पता लग रहा है कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है और यहीं पे मेरी ग्रोथ है, यहीं से मुझे बहुत कुछ सीखना है और अब बहुत लोगों को सिखाना है, ये मुझे अब ये। और मुझ में जो डिफरेंस आया वो ये आया कि ये वाकई आया कि मैं पहले बोल नहीं सकती थी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी, इवन मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि तू ना बहुत परेशान होगी, कि तू ना बच्चों को डांट नहीं सकती है, मतलब मैं अपने बच्चों को डांटती भी नहीं हूँ, अगर मैं डांटती हूँ तो वो हंसने लग जाते थे कि मम्मा आपको डांटना नहीं आता, प्लीज़ डांटा मत करो। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि चाहे मैं डांटूँ चाहे नहीं, लेकिन मैं अब अपनी बात कन्वे कर पाती हूँ, उनको मैं बता पाती हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट, अब तुमने चूज़ करना है कि कौन से रास्ते पे तुम जा रहे हो। तो अब वो उस वे में थोड़ा मैं बेटर हो गई हूँ, मैं बता पाती हूँ, मैं समझा पाती हूँ। कहीं ना कहीं एक सोसाइटल का वो होता है ना कि स्टिग्मा की, अगर आप कन्वे नहीं कर पाते अपनी बात को तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है लोगों के बीच में, वो आपको समझ ही नहीं पाएंगे। और जहाँ तक आप बता रहे हैं कि जब आप PSSM से जुड़े तो वो एक क्लैरिटी आ गई आपके अंदर कि एटलीस्ट मैं बोलना तो शुरू करूँ, मैं बात तो करूँ, मैं अपनी बात पहुँचाऊँ तो दूसरों, जैसे पत्री जी कहते हैं ना वाक क्षेत्र पर काम करो, तो दिस इज़ नाउ व्हाट आई रियलाइज़ कि हाँ मुझे ज़रूरत है अपने वाक क्षेत्र पर काम करने की, कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, जो कहीं ना कहीं कई बार मुझे ही नुकसान दे जाता है, जो मेरे लिए ही ऐसा हो जाता है कि कहीं मुझे कोई हर्ट करके चला जाता है और मैं नहीं बोल पाती। तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ टू बी चेंज्ड, और इससे अच्छी तो मुझे लगता है कोई जगह ही नहीं मिलेगी, और इससे अच्छा कोई मार्ग ही नहीं मिलेगा कि ध्यान प्रचार करो अपने वाक क्षेत्र पे काम करने के लिए, कि ध्यान प्रचार करूँ मैं और लोगों को, जो चीज़ मुझे मिली है, जो रास्ता मुझे मिला है, मैं और लोगों को अपने साथ उस पर ले कर चलूँ और मैं उनको जोड़ूँ उस पर। ध्यान प्रचार की बात आप कर रहे हैं और ये भी आप कह रहे हैं कि ये तो जो है सबसे बेस्ट है रास्ता, तो इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आया कि जैसे आपने कहा कि मैं ऐसी थी, मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं शांत थी, मैं बात नहीं कर सकती थी, जब आप ध्यान प्रचार की बात करते हैं आपके साथ भी ऐसे लोग जुड़ते हैं जो शायद आप ही की तरह इंट्रोवर्ट हों, जो शायद आप ही की तरह बोल ना पाएं, या फिर कुछ ऐसे भी कि कुछ ज़्यादा बोलें, उनको कंट्रोल नहीं अपनी बात पर, ऐसे कुछ एग्जांपल्स अगर आपके जीवन में कोई हो तो। ऐसे ये है कि लोग जो अब जो मेडिटेशन हम घर पर भी करवाते हैं, मेरे घर पर मेडिटेशन होती है एवरी वेडनेसडे, तो जो लोग आते हैं, जैसे बहुत लोगों के सवाल होते हैं, तो मुझे कोशिश करती हूँ कि मैं उनके जो क्वेश्चंस हैं जहाँ तक मैं सीखी हूँ मैं उनके आंसर्स दे पाऊँ, मैं उनको समझा पाऊँ। मतलब बहुत छोटे से और कॉमन से होते हैं कि लोग पूछते हैं आप इतनी देर कैसे बैठ जाते हो, जैसे मुझे 2 साल हो गए PSSM से जुड़े हुए, तो अब 1-1.5 घंटा, इट्स नॉट वेरी मच, लेकिन फिर भी हम बैठ जाते हैं, तो लेकिन वो कहते हैं आप कैसे बिना हिले बैठ जाते हैं। तो मतलब सबके या किसी के भी छोटे छोटे क्वेश्चंस, और यही समझाते हैं कि यही बताना उनको कि इट हैपन्स विद टाइम, तो मतलब कोशिश करती हूँ कि उनके जवाब दे पाऊँ, ताकि मैं साइड बाई साइड उनकी क्वेरीज भी सॉल्व करूँ और अपने ऊपर भी वर्क करूँ, दोनों चीज़ें करूँ।
क्योंकि उनके सवाल कहीं ना कहीं आपको एक बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में पुट करते हैं, और जो क्वेश्चन का आंसर शायद आपको उनको जवाब देते वक्त पता चलता है कि अच्छा हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, इस तरीके का जी। तो अभी वो मेरी भी हेल्प करता है। हाँ वो मेरी भी हेल्प कर रहा है। हाँ क्योंकि वो आप उससे सीख रहे ना कहीं, जैसे 2 साल आपको हो गए ध्यान करते हुए, और आप उस आपको लगता है कि मैं उस मेरे में अंदर वो पोटेंशियल नहीं पहुँचा, क्या मैं लिटरली लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, पर जब आप सडनली किसी दिन उठकर एक आंसर करें तो आपको लगता है कि हाँ ये तो मुझे पता है, तो मतलब मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, अगर मैं पहुँच चुकी हूँ तो कोई भी पहुँच सकता है जी। तो हमने बात की लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में, और जब हम लोगों के एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं वहाँ पर हम सबके साथ बैठ के स्वाध्याय या सज्जन सांगत्य भी करते हैं, क्योंकि जो बुक रीडिंग आप इंडिविजुअल करते हैं उसमें आप पढ़ रहे हैं, आपको आइडिया आ रहा है, लेकिन वहीं पे जब आप सबके साथ बैठ के करते हो तो आपने क्या सीखा उससे और उन्होंने क्या सीखा उसका हमें पता चलता है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ है कि आपने कभी सबके साथ बैठ के बुक रीडिंग की हो और लोगों ने अपने विचार उस पर साझा किए हो? नहीं, एक्चुअली बुक रीडिंग में तो आई एम नॉट सो गुड। मैंने बुक रीडिंग एक्चुअली पहले मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, बस जो स्कूल की पढ़ाई हो गई या कॉलेज की हो गई। बुक रीडिंग मैंने खुद भी अभी स्टार्ट किया, लेकिन मैं सेशंस अटेंड करती हूँ रामाराजो सर के, उन्होंने जो सेशंस लेते हैं ना बुक रीडिंग के या कोई और, तो वो मैं अटेंड कर लेती हूँ ऑनलाइन वाले, लेकिन अपनी अपनी जो इंडिविजुअल बुक रीडिंग है वो मैंने अभी लुइस हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ से वो मैंने अभी स्टार्ट किया है। डिफ़िकल्टी फेस कर रही हैं आप उसे पढ़ने में? डिफ़िकल्टी फेस नहीं, शुरू से जैसे मैंने कोशिश भी नहीं करी कि मैं पढ़ूँ, शुरू से ना आई टू मच इनटू घर का काम, टू मच इनटू, अच्छा जैसे होता है एक नॉर्मल फैमिली है कि चल बच्चों का खाना, मम्मी का खाना, हस्बैंड को लंच भेजना है, बस ऐसे लगता है यही तो लाइफ है, सब यही तो करते हैं, अपनी मम्मी को भी हमने यही तो करते देखा है ना। और हमारे पापा जो थे, पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मम्मी को मंदिर तक भी नहीं जाने देते थे, बस घर में मंदिर है वहीं पर जो करना है कर लो। लेकिन अब मुझे पता लगता है नहीं, लाइफ सिर्फ वही नहीं है, मतलब इतना कुछ होने के बाद ना आई रियलाइज़। और अब कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि यार ये ज़रा ज़्यादा लेट हो गया, जल्दी हाँ, जुड़ना चाहिए था, थोड़ा पहले मिल जाता। मैम जैसे कि आपने ध्यान प्रचार के बारे में बताया, तो हम हमेशा बात करते हैं उन 4 मेन प्रिंसिपल्स की जो हमारे ध्यान के साथ साथ हमारे जीवन में ज़रूरी हैं। आपने कहा ध्यान प्रचार आप करवा रहे हैं और उसे आप खुद भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, उसके बाद आ जाता है शाकाहार होना, तो यही मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आप पहले से ही शाकाहारी थे या ध्यान में आने के बाद हुए? नहीं, पहले से नॉन वेजिटेरियन थी, एग्स नॉन वेज सब खाती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मास्टर बनो किया और विजडम शेयरिंग होती थी तो उसमें जैसे बताया जाता था कि इट्स अ फूड ऑफ सैक्रीफाइस एंड पेन, तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा फिर अपने आप से रिलेट करने लग गई कि नहीं मुझे नहीं खाना। और मतलब वो चीज़ मैं शायद फील ही करने लग गई कि जब एक किसी एनिमल को किया जाता है स्लॉटर तो कैसा फील होता है, कितनी पेन होती है। तो जैसे कहते हैं ना, आप अपने एक चाकू लग जाता है किचन में काम करते हुए तो आप कितना टाइम आपको दर्द होता रहता है, तो उस चीज़ को धीरे धीरे वो चीज़ बहुत फील होने लग गई और एकदम ऑल ऑफ अ सडन ही फिर छोड़ दिया था, नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दिया, एग्स छोड़ दिए, और अब तो गार्लिक और मशरूम्स भी छोड़ दिए। अब तो मतलब घर में आता ही नहीं है और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि गार्लिक नहीं डाला हुआ सब्जी में। तो इससे आपके आसपास क्या प्रभाव पड़ा, मतलब आप पे तो पड़ा है कि इंडिविजुअली मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो पेन फील हो रहा है, लेकिन फैमिली में इसका कैसे इसको इंटेक किया गया? मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा मेरी डॉटर को नहीं बताया मैंने बहुत टाइम तक कि गार्लिक नहीं घर में मैं यूज़ कर रही, लेकिन मेरी डॉटर ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, और मतलब मैं खुद भी नोटिस कर रही थी, उसको नहीं मैंने बताया कि वो थोड़ी बेटर हो गई, थोड़ी काम हो गई है कि इतनी जल्दी अब वो सुनती है मेरी बात को अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो। लेकिन ये चीज़ मैंने उसमें भी देखी, और उसके हेल्थ इश्यूज़ भी, जैसे उसके थे PCOD PCOS, उसको था थोड़ा वेट गेन बहुत हो रहा था उसका, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही थी, तो नॉनवेज उसने भी खाना बंद कर दिया, तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क है उसको, मतलब हर चीज़ में हेल्थ वाइज काफ़ी वो भी बेटर हो गई है और पेशेंस वाइज बेटर हो गई है, काम हो गई है। और बहुत पहले ना बहुत एंग्जाइटी होती थी, जैसे कोई भी सिचुएशन आई है, कोई प्रॉब्लम आई है तो अजीब सी एंग्जाइटी, जल्दी करो कैसे होगा ऐसे ना अंदर से अजीब सी बेचैनी। लेकिन जब से फिर नॉन वेजिटेरियन खाना बंद करा, बिल्कुल गार्लिक खाना बंद करा, तो मतलब चीज़ों को मतलब ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत काम हूँ, मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई सिचुएशन आई है तो मैं पहले सोचती हूँ कि मतलब क्या हो सकता है इसका, मतलब आई थिंक मोर टुवर्ड्स द सॉल्यूशन रादर देन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम इटसेल्फ,
ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ या उस चीज़ को कैसे, इवन बच्चे हैं जैसे अब बेटा मेरा बाहर है कनाडा में, तो वहाँ कभी वो परेशान हो जाता है तो एकदम से मैं पैनिक नहीं करती यहाँ पे कि नहीं अच्छा परेशान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं आराम से अच्छा बता क्या बात है उसको और अच्छे से समझाती हूँ और ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि वो कैसे इस चीज़ को वर्कआउट वो भी कर पाए और मैं भी बीइंग स्टेइंग इन इंडिया कि मैं उसकी सिचुएशन से या अपने आप में परेशान ना हूँ, तो मैं और ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा माइंडफुल होके उस चीज़ को सोच पाती हूँ। और मुझे लगता है कभी कहीं ना कहीं जब मैं नॉनवेज खाती थी तो ये चीज़ बहुत मुझे फ़र्क बहुत ज़्यादा मुझे वो होता था कि आप ना बहुत जल्दी एग्रेशन रिएक्ट कर देते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, एंग्जाइटी लेवल्स आपके हाई होते हैं, ये चीज़ों में बहुत बहुत फ़र्क पड़ा। तो वही ना मैम, क्योंकि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो वो भी आपकी बॉडी को फॉर्म करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आप जितना ग्रीन जैसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, हेल्दी, जितना प्योर वेजिटेरियन फूड आप हो, तो आपके अंदर शांति, आपका शरीर हेल्दी और एकदम हैप्पी मतलब आपका माइंडसेट रहता है एक तरीके से, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। हाँ बस वही होता है। तो आपने बताया मैम वेजिटेरियनिज्म के बारे में, अब इससे जुड़ा मैं अगला सवाल लेना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि अग्रेसिव नेचर जो होता है वो बहुत जल्दी आप रिएक्ट करते वक्त तो आपको दिख जाता है, लेकिन इसमें जब शांति आने लग गई और आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस है जब आप उन सबको फेस करके आज ओवरकम करके आए हो, तो अब आप किस स्टेज पर हो अपनी लाइफ के, उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी। अब बहुत पीसफुल और काम स्टेज पे हूँ मैं। अब मुझे लगता है कि गॉड फॉरबिड, अभी मतलब ऐसा लगता है लाइफ में इतना कुछ तो देख लिया, इतना कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी भी बहुत हैं, आगे बच्चों के लिए बहुत है। तो ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन आई ऐसे तो मैं बहुत ईजीली फॉल डाउन नहीं करूँगी, मैं बहुत ईजीली बताना हिम्मत नहीं हारूँगी, आई विल वर्क ऑन इट, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, मैं गिव अप नहीं करूँ, गिव अप नहीं करूँगी, I'll try to find it, do it on more better way. I will try to do it in a better way. जी मैम, हमने बात की वेजिटेरियनिज्म के बारे में, ध्यान प्रचार के बारे में, स्वाध्याय के बारे में भी हमने बात की, लेकिन एक और चीज़ जो है जिससे हमें बहुत हमारी एनर्जी डबल हो जाती है, पिरामिड्स। पिरामिड में बैठकर ध्यान करना और पिरामिड के बिना ध्यान करना, इसका कोई अनुभव है वो ज़रूर जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा अनुभव है पिरामिड के, शुरू में जब मैं पिरामिड के बिना करती थी, एक ना आलस ही होता था, पिरामिड तो था, अरुणा दीदी के घर हम जाते हैं संडे को, वहाँ से पिरामिड लेके आए थे, लेकिन आलस, अच्छा आज निकाल लूँगी कल निकाल लूँगी, तो लेकिन जब मैं पहले बिना पिरामिड के करती थी और उसके बाद जब पिरामिड के साथ करने लगी तो मुझे बहुत ह्यूज डिफरेंस लगा। पिरामिड के साथ करने से जो मेरा जैसा थाटफुल स्टेट ऑफ माइंड है ना वो बहुत जल्दी काम होने लगी, मतलब बहुत जल्दी मुझे लगा कि मैं ज़ीरो थॉटफुल स्टेट में मैं जा रही हूँ, एनर्जी लेवल्स मेरे बहुत अच्छे हो गए और हाई हो गए। और जैसे शुरू में बॉडी पेन होता था, जैसे कभी होता ना गर्दन में दर्द हो रहा है कि बैठे बैठे कि अब नहीं बैठा जा रहा, वो चीज़ पता ही नहीं लगती थी, पता ही नहीं चलता था कितनी देर आप बैठ जाते थे, धीरे 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 वो पिरामिड के यूज़ से ही वो एक्सटेंड बढ़ना शुरू हुआ, जो टाइम है मेरा वो बढ़ना शुरू हुआ। फिर मैंने खाने के ऊपर पिरामिड रखना शुरू करा, धीरे धीरे मैं पानी की जहाँ बॉटल्स भर के रखती हूँ वहाँ तो कंटिन्यूसली एक पिरामिड बड़ा बड़े साइज़ का है, 4 बॉटल्स आ जाती हैं उसमें, वो कंटिन्यूसली रहता ही रहता है, फिल करती हूँ बॉटल्स और उसके नीचे, ताकि वो जो वाटर भी चार्ज हो के वो प्योर और इतना अच्छा हो जाता है एनर्जी वाला, वो हम पानी सारे घर में पीते हैं सब वही यूज़ करते हैं, तो उससे भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हर चीज़ में, एनर्जी लेवल में, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आपने अभी हमें बताया कि क्या पिरामिड से फ़ायदे हुए आपके जीवन में, मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी कि ध्यान के माध्यम से या पत्री जी की टीचिंग से आप क्या सीख रहे हो और इन सबको कैसे आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे पत्री जी के 18 प्रिंसिपल्स हैं, और लाइफ में क्या होता है कि हमें ना पता नहीं चलता, हम अननोइंगली बहुत चीज़ें गॉसिप के जैसे ही बोल जाते हैं, तो जैसे पत्री जी के प्रिंसिपल्स हैं कि नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस एंड नो कंप्लेंट्स। तो अभी जैसे स्टेप बाय स्टेप हम मूव कर रहे हैं, तो हम कोशिश करती हूँ मैं इन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ में मैं इंक्लूड करूँ, कि अदरवाइज़ क्या होता है अगर आप मूवी भी देख रहे हो ना तो आप फटाफट जजमेंट पास कर दो, ये ऐसी लग रही है वैसी लग रही है ना, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम ट्राइंग वन बाय वन कि मैं अपनी लाइफ में कि मैं जजमेंट ना करूँ किसी को भी किसी चीज़ के लिए भी। वो कहते हैं ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर,
तो बिना किसी की लाइफ में क्या हो रहा है और मैं बोल दूँ कि ये तो ऐसे ही रिएक्ट करती है या ऐसे ही बोलती है, तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट कि धीरे धीरे कोशिश यही है कि हो भी जाता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल चेंज आ गया मेरे में और मैं बिल्कुल सब कुछ हो गया, अभी भी हो जाता है लेकिन मैं करेक्ट कर लेती हूँ, मैं उसी टाइम अपने आप को स्टॉप कर देती हूँ कि नहीं दिस इज़ नॉट व्हाट आई हैव टू डू, मुझे ये नहीं करना। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत उस पर बहुत वर्क करी और उस पर अच्छा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं जो हमारी खुद की गलतियाँ हैं जो हमें बदलनी है, जिस पर मुझे काम करना है अपने ऊपर अपनी ग्रोथ के लिए। दूसरा है नो इंटरफेरेंस, फिर इंटरफेरेंस वो भी एक हमें आदत सी हो जाती है बच्चों को बोलने की, ऐसे ना कर ये ना कर, हर चीज़ में इंटरफेयर कर, कोई कैसे क्या काम कर रहा है उसके बीच में बोलना नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे अच्छा होगा। इवन मेड्स को, हम घर में मेड आती है, मेड को हम उसको एक एक मिनट में इंटरफेयर करते हैं ऐसे कर वैसे कर, तो लग रहा है कि नहीं थोड़ा जहाँ ज़रूरत है जहाँ ज़रूरी है वहीं बोला जाए, हर जगह आपको नहीं बोलना बीच में जहाँ ज़रूरी नहीं है। और जैसे पत्री जी कहते हैं मौन मौन रखो, जब तक आपको नहीं लग रहा कि ज़रूरी है तब तक आप बोलो नहीं। और तीसरी चीज़ जो है नो कम्प्लेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि नहीं जित कुछ भी हो जाए, चाहे आपको बच्चों की चीज़ कोई अच्छी लग रही है, आपको घर में कोई चीज़ क्या, बाहर आप जा रहे हो, आप 100 जनों से मिल रहे हो, आपको कुछ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आपको नहीं बोलना चाहिए कंप्लेंट। एक चीज़ को डिस्कस करके कहना या आप किसी से बात कर रहे हो उसके बीच में बोलना इज़ एन अदर थिंग, लेकिन कंप्लेंट करना कि मुझे आपकी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही या मुझे ये चीज़ नहीं ठीक लग रही, कंप्लेन करना नहीं है, मतलब ये चीज़ लग रहा है कि बिल्कुल ये तो अभी ये पहली जैसे कहते हैं ना 3 चीज़ों को लेके मैं अभी चल रही हूँ कि इन 3 चीज़ों पे मैं अभी अपने ऊपर काम कर रही हूँ कि मुझे इस पे ये चीज़ें नहीं, अपने आप अंदर मुझे ये चेंज लेके आना है। ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये तीनों चीज़ें आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर देती हैं आपको, जितना आप मतलब कहते हैं ना आप जितनी मेडिटेशन कर रहे हो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप फिर वहीं 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 वापस आप अपने जो आपकी फ्रिक्वेंसी आप वो डाउन कर लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं। और इसके साथ ये भी फ़र्क पड़ा है कि जैसे ये जो हमारे PSSM और PMC के चैनल पर जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, अखंड ध्यान चल रहा है जैसे और फुल मून मेडिटेशन होती है, तो आई जस्ट मेक आउट कि ये मैं मिस ना करूँ, ये ज़रूर करूँ, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब इन 18 प्रिंसिपल्स पे काम करने के साथ साथ मैं ये ज़रूर करती हूँ कि जो भी सेशंस हो रहे हैं, जो हमें और कुछ सिखाने को मिल रहे हैं, पीछे JTTP हुआ है वो भी मैंने पूरा कम्प्लीट करा, और अखंड ध्यान होता है रात पूरी रात का वो, और ये ज़रूर मैं करती हूँ साथ में, ताकि मेरी अपने इससे मतलब जो मैं और इसमें इसी रास्ते पे और बढ़ पाऊँ और कर पाऊँ तो काम इस पर। और इसके साथ साथ हम ये करते हैं, अभी मैं पीछे जैसे अपनी सिस्टर इन लॉज के साथ ऋषिकेश गई थी, उससे पहले मुक्तेश्वर गई थी, तो वहाँ पे नेचर में बैठ के ध्यान करना, उनको भी मैंने अपने सिस्टर इन लॉज को भी सिखा दिया है कि साथ में ऐसे मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग गॉसिप की कोई भी बात एक दूसरे की करने से बेटर है कि चलो हम बैठ के ध्यान करते हैं। तो हमारा वो भी वहाँ पे भी यही शेड्यूल था कि सुबह उठ के 6 o'clock मॉर्निंग में माउंटेन्स के वहाँ बिल्कुल नेचर में हमने फिर मेडिटेशन करा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, वो बहुत ही अच्छा एक तो प्लेजेंट था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कोशिश यही होती है कि अपने साथ मेरे साथ भी जो हैं मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको भी अपने साथ मेडिटेशन में जोड़ूँ, या कहीं भी हम जाते हैं तो भी यही होता है कि जितनी ज़्यादा किसी से मैं ये चीज़ बांट सकूं, और जैसे कहते हैं ना कि मैं उनको मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मेरी जैसे मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ा है, मैं उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंज लेके आऊं, मेरे कहने से वो भी इससे ध्यान से जुड़े तो उन्हें भी पता लगे कि लाइफ एक्चुअली वही सब नहीं है जो मेरे साथ हो रहा था, खाना बनाना और घर का ध्यान रखना, इट्स मच मच मोर देन दैट, कि आपके पास बहुत कुछ है अपनी ग्रोथ के लिए और अपने सीखने के लिए। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज हमारे दर्शकों को दें कि क्यों ज़रूरी है ध्यान करना, और आपने क्योंकि आपने हमें बहुत अच्छे से अभी बताया कि आपके जीवन में सच में कितने बदलाव आए, कितने मुश्किल वक्त से आप गुजरी, तो जैसे आप ये भी बोलते हैं कि जब मैं रिलेटिव्स को सिखाती हूँ तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं जो चेंज आज मैं आपके सामने दिख रही हूँ वही चेंज आप में आए, तो एक छोटा सा मैसेज जो हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ध्यान के बिना ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। अगर हर लाइफ में कहते हैं ना कि जैसे सांस चल रहा है और हम काम कर रहे हैं हम जी रहे हैं, वैसे ही हर चीज़ के साथ साथ ध्यान बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ध्यान
काम से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपको काम करने की ऊर्जा भी ज़्यादा देगा, आपका फोकस भी बहुत अच्छा रहेगा और आप इतने अपने ही जो जो भी फील्ड आप जिसमें भी हैं आप उसमें और ज़्यादा तरक्की करेंगे, और ज़्यादा फोकस्ड और इन एवरी एस्पेक्ट इट विल टेक यू हायर एंड हायर एंड अलॉन्ग विद दैट कि ये आपके सोल ग्रोथ, आपकी अपनी सोल ग्रोथ के लिए, अपने लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ध्यान ज़रूर करें, बिल्कुल करें, अपने डेली के कामों के साथ इसको एक अपनी दिनचर्या में जोड़ लें। बहुत अच्छा मैसेज है मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि हालांकि आप अपने जीवन में तरक्की की ओर तो बढ़ते ही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान के साथ जुड़ जाएं तो वो दोगुनी हो जाएगी। बहुत खूबसूरत मैसेज है मैम, और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू PMC हिंदी, थैंक यू PSSM और थैंक यू पत्री जी, हमें इस ज्ञान और ध्यान की तरफ लेकर जाने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ मोनिका जी, जिन्होंने अपनी जीवन में जो भी बदलाव आए हैं ध्यान के माध्यम से वो हमारे साथ शेयर किया। हालांकि उन्हें बहुत कम समय हुआ है, केवल 2 साल, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा ध्यान के माध्यम से। ऐसे ही और ध्यानियों की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।